यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। अब बात झज्जर की, जहां पर मौजूदा विधायक गीता भुक्कल ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर को सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने की खबरों का जवाब दिया है। भुक्कल ने तंवर पर तंज कसते हुए कहा कि सपना देखना सभी का काम है, हर कोई सपने देख सकता है, प्रदेश अध्यक्ष को भी सपने देखने चाहिए, लेकिन उन्हें यह भी याद रखना चाहिए कि मुख्यमंत्री उम्मीदवार का फैसला खुद ब खुद नहीं बल्कि पार्टी हाईकमान करता है। भुक्कल ने तो पार्टी प्रदेश अध्यक्ष से ये तक पूछ लिया कि अध्यक्ष जी बताएं कि वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या फिर विधानसभा, और लड़ेंगे तो कहां से लड़ेंगे। वहीं इस दौरान भुक्कल ने उन चर्चाओं को भी खारिज किया जिसमें गीता भुक्कल को पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बनाने की चर्चाएं सोशल मीडिया और मीडिया में बनी हुई थी। भुक्कल ने कहा कि वो पार्टी की एक छोटी सी कार्यकर्ता है, उनकी व्यक्तिगत ऐसी कोई भी इच्छा नहीं है और यह फैसला पार्टी हाईकमान करेगी। जहां तक प्रदेश अध्यक्ष को बदलने की बात है तो समय को देखते हुए समय की मांग भी है कि पार्टी प्रदेश अध्यक्ष को बदला जाए, और इसके लिए सबसे बेहतरीन जो विकल्प है वो सिर्फ हुड्डा साहब ही हैं। बाकी हमारे यहां पर मुख्यमंत्री का चुनाव हमेशा हमेशा जो है हाई कमांड कांग्रेस पार्टी में एक परंपरा रही है, हमेशा वही परंपरा निभाई जाती है। कांग्रेस हाई कमांड ही ये तय करता है कि प्रदेश का मुख्यमंत्री मुखिया कौन होगा। अभी हम सबको ये प्रयास करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम लोग कांग्रेस पार्टी की सीटों को मजबूत करें, ज़्यादा से ज़्यादा सीटों को हम जीत कर आएँ, और हम उम्मीद करेंगे हाईकमांड हमेशा ही मुख्यमंत्री का फैसला जो है कांग्रेस हाईकमांड के द्वारा ही दिया जाए।